उत्तर पूर्वी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास चेकिंग के दौरान चैंपियन गाड़ी से जा रहे 12 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा है। सभी मजदूर यूपी जाने के फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के मद्देनजर शास्त्री पार्क थाना पुलिस की टीम सिग्नेचर ब्रिज पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान एक चैंपियन गाड़ी में 12 मजदूर मिले जो यूपी जाने के फिराक में थे। पूछताछ में पता चला कि सभी मजदूर दिल्ली के अलग अलग इलाके में रह रहे थे और यूपी अपने गांव जाना चाहते थे। पकड़े गए मजदूरों ने बताया कि वो लोग दिल्ली के अलग अलग इलाके में रहकर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें ना काम मिल पा रहा है और ना ही खाना मिल रहा है। जो जहाँ वही रहे सर, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए एक एक बज जाते थे खाना मिलने के लिए। इसीलिए सोचे घर निकल जाए, इससे अच्छा है घर पर खाने पीने की तो कुछ सुविधा चली गई। जो रास्ते में दिक्कत होगी वही होगी घर पर मिलने के बाद। तो कितने कितने लोग यहाँ पर? सर हम 5 लोग आए थे। 5 लोग आ पाए थे? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है। और बताइएगा जो गांव के और लोग यहाँ क्या काम करते हैं आप? सर कपड़े में मशीन चलाते हैं सर। अच्छा, सिलाई का काम करते हैं? यस सर। फिलहाल पुलिस ने सभी मजदूरों को शेल्टर होम भेज दिया है, साथ ही गाड़ी जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोनिफ खान।